हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो हम लोगों ने क्लास सिक्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थ्री के क्वेश्चन आंसर, इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर है चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख से हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। तो जयानक जो पृथ्वीराज तृतीय थे उनके दरबार में विद्वान थे, तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। इस महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। और सर्वाधिक इन्होंने जब दरबार में थे पृथ्वीराज तृतीय के, तो उनके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें भी की। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद सूरी के द्वारा रचित है हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है। तो हमीर महाकाव्य से हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेवन है, पश्चिमी भारत की यात्रा के रचयिता कौन है? पश्चिमी भारत की यात्रा के रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, याद रखना है कर्नल जेम्स टॉड ने किसकी रचना की? पश्चिमी भारत की यात्रा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर है। नेक्स्ट देखिए, वीर विनोद के रचयिता कौन है? तो वीर विनोद के रचयिता है श्यामल दास। देखिए इस चैप्टर में आपको केवल यही याद रखने हैं कि किसने किसकी रचना की, जहां से हमें इतिहास जानने के स्रोत मिलते हैं। तो बस नाम ही आप लोगों को इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की? विश्वेश्वर नाथ ने मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना की। तो इसमें 10 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मात्र 10 क्वेश्चन है, फटाफट से इनको आपको लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।